दोस्तों, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं के लाभ के लिए 10 वर्ष पूर्व में जारी आधार कार्ड के दस्तावेजों का अद्यतन किया जाना है। आधार अद्यतन का कार्य कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए जरूरी है। ये कार्य आप आधार सेवा केंद्र अथवा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल माई आधार पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि माई आधार पोर्टल पर विजिट कर डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य आप मोबाइल, पीसी या लैपटॉप से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से, या फिर आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको सर्च बार पर टाइप करना है माई आधार .uidi.gov.in, या फिर सिंपल आप सिर्फ माई आधार भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, देखिए माई आधार का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही माई आधार का पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये हिंदी में है, आप यदि ओपन करेंगे तो हो सकता है इंग्लिश में आए, तो आपको यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लेना है। देखिए यहाँ से अभी मैं हिंदी किया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चुन लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, मेरा आधार में आपका स्वागत है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ लॉगिन करें पर। इसके पश्चात यहाँ पे आगे देख सकते हैं दोस्तों, इंटर आधार और ये वाला कैप्चर कोड फिल करना है, फिर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर और कैप्चर कोड फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेता हूँ। आधार और कैप्चर कोड फिल करने के पश्चात चलिए मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया ओटीपी जनरेशन सक्सेसफुल, यहाँ पे टाइम भी चल रहा है, देखिए 1 मिनट का समय रहेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं ओटीपी को फिल कर देता हूँ। इसके पश्चात सिंपल आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ राइट हैंड साइड में देख सकते हैं दोस्तों, एक लोगो आ गया जहां पे आपके आधार में अटैच पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पिक्चर आ रहा है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य करना है, तो चलिए यहाँ पे मैं पहले अंग्रेजी में करके दिखाती हूँ आपको। कहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट अपडेशन का ऑप्शन, ये देखिए लास्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट, सिंपल आपको यहीं पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही इस तरह से एक नए पेज और आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस। तो अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके पश्चात देख सकते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य आपको 3 स्टेप में करना है। पहला है वेरिफिकेशन का, दूसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड और तीसरा है पेमेंट। तो पेमेंट दोस्तों आपको ₹25 लगने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला POI, POI का मतलब है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा है POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस। फिर यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, प्लीज वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपना नेम चेक कर लेना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। इसके पश्चात यहाँ पे है आई वेरीफाई दैट द एबव डिटेल्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको जो राइट का निशान लगा हुआ है इस पे फिर से क्लिक कर देना है, जिससे ये हो जाएगा ब्लू। इसके पश्चात यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। यदि दोस्तों आपके नेम, एड्रेस, DOB या जेंडर में कुछ समस्या है या त्रुटि है तो यहाँ हियर ऑप्शन से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे जो जानकारी है ये करेक्ट है, इसलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेकेंड स्टेप में हम आ जाएंगे अपलोड वाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसका फॉर्मेट होना चाहिए JPEG, PNG या PDF का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं POI, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी,
डॉक्यूमेंट डालना है यहाँ पे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें अपलोड करने हैं, ये इतने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर ST/ST OBC सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, फिर है पैन कार्ड, साथ ही साथ यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप अपने पहचान के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने पहचान के लिए मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ यूनिवर्सिटी का, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ रहा है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू टू अपलोड। इसके पश्चात जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट बना करके रखे हैं, सबसे पहले आपको 2 MB से कम का PNG, JPEG या PDF में डॉक्यूमेंट को बना लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ जो मैं पहले से बना करके रखा था। तो ये रहा दोस्तों डॉक्यूमेंट जो कि PDF फॉर्मेट में मैं बनाया हूँ। देख सकते हैं साइज है इसका 1.19 MB का। चलिए मैं इसे यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 100% अपलोडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे मार्कशीट मेरा यूनिवर्सिटी का आ गया है जो कि BEd का है। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लियर से क्लियर कर सकते हैं। ये हुआ दोस्तों POI डॉक्यूमेंट। अब हम एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक ऑप्शन। तो इसमें से मैं बैंक अकाउंट दे रहा हूँ। यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, राशन कार्ड है, यहाँ भी ST/ST OBC सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही साथ वोटर आईडी कार्ड है, वाटर बिल। तो चलिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू टू अपलोड। इसके पश्चात ये वाला फाइल हम अपलोड कर देते हैं। ये भी दोस्तों हमारा अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है देखिए। इसके पश्चात आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आई हियर बाय गिव माई कंसेंट दैट द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड अपलोडेड बाय मी मे बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज बाय द गवर्नमेंट। तो अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, तो यहाँ हमें ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब आ रहा है, डियर रेसिडेंट यू विल बी चार्ज्ड ₹25 टू प्रोसेस द डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट। यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द पेमेंट कैंसिलेशन रिफंड्स प्रोसेस हियर। तो यहाँ हमें सबसे पहले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके पश्चात यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 2 तरीके दिए गए हैं, तो चलिए हम किसी भी एक का चयन कर लेते हैं, यही ऑप्शन सिलेक्टेड रहने देते हैं। इसके पश्चात मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चूज अ पेमेंट ऑप्शन, यहाँ से हमें पेमेंट ऑप्शन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है कार्ड्स, क्रेडिट डेबिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट या UPI या व्हाट्सएप से। तो चलिए हम UPI से करेंगे। फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ फ़ोनपे। अब यहाँ पे इंटर UPI ID फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं UPI ID फिल कर देता हूँ। UPI ID फिल हो चुका है। अब हमें वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रीन कलर में आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे वेरीफाइड इस तरह से ग्रीन कलर में टिक आ जाएगा। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ओपन फोनपे मोबाइल ऐप एंड अप्रूव पेमेंट ऑफ 25। तो अब आगे का प्रोसेस हम मोबाइल से करेंगे। यहाँ मैं अपने मोबाइल से ₹25 का जो पेमेंट है इसे मैं अप्रूव कर देता हूँ। जब हम अप्रूव कर देंगे मोबाइल से तब यहाँ प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो मैंने मोबाइल में जैसे ही प्रोसेस को आगे बढ़ाया है तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जो स्क्रीन था वो निकल चुका है और यहाँ पे अब आ रहा है, देखिए
देखिए ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, पेमेंट डेट एंड टाइम देख सकते हैं, अमाउंट 25 और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट हो चुका है। इस तरह से हमारा तीनों स्टेप अब कंप्लीट हो चुका है, वेरीफाई, अपलोड और पेमेंट का। अब चलिए हम यहाँ पे जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसके पश्चात हम फिर से अपने डैशबोर्ड पर चले जाते हैं, यानी कि हमारा जो वैलिडेशन वाला कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस वैलिडेशन स्टेज, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह बड़ी आसानी से आप डॉक्यूमेंट अपडेशन का कार्य माई आधार पोर्टल पर स्वयं अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।